Hey guys, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap log? I hope you all are doing great and safe. Meri jaan, 27 years ke baad aa rahi hai Prabhu Deva aur Kajol ki reunion kind of movie Maharagini. Glimpse says it's not a trailer, it's not a teaser. Kyun hai ye Queen of Queens? Let's get into this glimpse. मौत से ज्यादा डरावना पता है क्या होता है? मौत से पहले की फीलिंग. और इससे डरावना पता है क्या है? ओ प्रभुदेवा, ये अच्छा है. सदियों से बहुत सबर कर लिया. आई थॉट काजोल होगी. अब सबक सिखाने की बारी है. वॉइस ओवर काजोल का था. हर माँ बाप का सपना होता है कि जिस औलाद ने उनकी गोद में पहली सांस ली उसी औलाद की गोद में आखिरी सांस हो. पावर मांग के नहीं, छीन के ली जाती है. माँ सरस्वती का ज्ञान, माँ लक्ष्मी की समृद्धि और माँ दुर्गा का तम. ना सब होने के बाद भी अगर डरना पड़े एक्शन सीन. ओके, क्वीन ऑफ क्वींस. फुल टू देसी. या पैन इंडिया रिलीज हो रही है भाई. पीजीएम बहुत अच्छा था. हर जगह पे जिस टाइप का म्यूजिक चाहिए था एकदम से बाउंस कर रहा था लाइक एकदम. तो प्रभु देवा का इसमें कैरेक्टर मुझे लग रहा है शायद नेगेटिव हो. जो लाइमलाइट टोर के ले गई हैं वो ले गई हैं काजोल भाई. फैक्ट फिगर इस एज में भी वो लग ही नहीं रही है. देवगर अगर सिंगर है ना तो ये सिंगम फीमेल वर्जन ये प्ले कर सकती है. तरीके से इन्होंने एक्शन सीन दिए हैं. फ्रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज्यादा इसे ड्रामेटाइज नहीं किया है इनके मेकअप को भी. नसरुद्दीन शाह भी हैं इसमें जो देखने को मिले हैं हमें. इंतजार रहेगा इसके ट्रेलर का कि भाई क्या ट्रेलर होने वाला है. टीजर का वेट रहेगा पहले तो, और उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है खास जो आपको देखना चाहिए. फिलहाल क्वीन ऑफ क्वींस क्यों कहा है इसको ये तो रिवील हो ही गया है. ये आपको कैसी लगी कमेंट में बताना. और क्या आप कौन से स्टेट से हो ये भी बताओ. आपके यहाँ अगर कोई मूवी रिलीज हो रही है आपके स्टेट की तो वो भी बताना, उस पर भी रिएक्शन देंगे. बट टिल देन बाय बाय. असल में दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. बाय बाय.